स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि इससे पहले हम सिंपल सेंटेंस को बनाए, उसके बाद हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताएं, उसके बाद आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम बनाने से पहले सबसे हमें क्लास के बारे में जानना जरूरी होगा, क्योंकि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है वो क्लास पे ही डिपेंड होके बनता है। क्यों? क्योंकि जो दो अथवा दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं, तो उसमें जो बनता है हमारा, एक हमारा होता है प्रिंसिपल क्लास होता है और एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। इन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़कर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारा क्लास होता क्या है, क्लास कितने प्रकार के होते हैं। जब उसको जानेंगे उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स को बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्लास टू। क्लास जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। मुख्यतः क्लास दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रिंसिपल क्लास और दूसरा हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, पहला हमारा होता है प्रिंसिपल क्लास, दूसरा हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास वो होता है जो एक निश्चित सेंटेंस देता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास हमारा वो होता है जो हमेशा हमारा प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड रहता है। जैसे ही इज अ मैन। ठीक है, ये जो हमारा है ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। उसके बाद हू स्टोलेन माई वॉच। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। वह एक आदमी है, हूँ स्टोलिन माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई। तो अगर हम केवल इस सेंटेंस को देखें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये इस पर डिपेंड है, ये वही आदमी है। ठीक है, और ये डिपेंड नहीं है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। और ये सबऑर्डिनेट क्लास तीन भागों में बांटा गया है। तो क्लास तीन प्रकार के होते हैं। पहला नाम क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा नाम क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो नाम क्लास है, ये नाम क्लास होता क्या है। ठीक है, तो नाम क्लास जो हमारा होता है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाम होता है या तो प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो वही जो हमारा जो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है वही हमारा नाम क्लास होता है। तो हम इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा नाम क्लास होता क्या है। ठीक है, उसके बाद ये नाम क्लास पांच तरीके से सेट होता है। कभी कभी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है, या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के बंद के रूप में आता है, या तो फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में आता है। तो इसी तरीके से हम वर्ब जो नाउन क्लास होता है ये हम पांच तरीके से सेट होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से सेट होता है, इसको हम एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। वेदर ही इज फिट फॉर जॉब इज डाउटलेस। तो जो हमारा वेदर ही है ये हमारा क्या कौन सा क्लास है, हमारा नाउन क्लास है। हम पहले ही बताए थे कि सब्जेक्ट के रूप में रहेगा और क्लास वही होता है जिसमें
एक सब्जेक्ट हो और एक हमारा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, नाउन क्लास वही होता है। तो नाउन क्लास से जुड़ा है ये हमारा सब्जेक्ट या हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है, इतना हमारा नाउन क्लास है। तो इसीलिए ये वर्ब इज का, हमारा नाउन क्लास जो है वर्ब इज का क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में काम किया। नाउन क्लास हमारा वर्ब इज के रूप में प्रयोग किया गया। उसके बाद आई टोल्ड दैट दैट ही वुड कम, दैट ही वुड कम, ये जो हमारा वो सेंटेंस है ये वर्ब टोल्ड का, वर्ब टोल्ड है ये, जैसा कि हम सभी जानते हैं ये हमारा वर्ब है, तो ये वर्ब टोल्ड का ऑब्जेक्ट के रूप में है, जानते हैं ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, ठीक है, तो इसीलिए हम ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं कि नाम का नाम फ्रेज कहाँ पे, इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही वर्क, हाउ ही वर्क, तो ये हमारा नाउन क्लास है। तो यहाँ पे जो हमारा नाउन क्लास है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, प्रीपोजिशन ऑन हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं दिस इज व्हाट शी सेज, दिस इज व्हाट शी सेज, तो व्हाट शी सेज जो है हमारा ये भी हमारा नाउन क्लास है, और ये जो नाउन क्लास है ये किसका वो है ऑब्जेक्ट, ये हमारा दिस दैट दिस का ऑब्जेक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं इज का ऑब्जेक्ट, इज वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद द फैक्ट राहुल इज इल कॉमा इज फॉल्स, तो ये क्या हमारा, ये हमारा फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में यहाँ पे लगा हुआ है, द फैक्ट राहुल इज इल, ये भी हमारा नाउन क्लास है जो कि किस स्थान पे है, फ्रेज इन अपोजिशन में, ठीक है। तो आइए अब हम एडजेक्टिव क्लास को भी जान लेते हैं, तो हम आगे देखते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास हमारा क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्लास हमारा एडजेक्टिव के ही तरह काम करता है, ये भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बस दर्शाता है, ठीक है। अब हम एडजेक्टिव क्लास को देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होकर किस तरीके से नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, तो आइए एग्जांपल के तहत इसको भी देखते हैं। तो आइए हम एडजेक्टिव क्लास के कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लास जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि एडजेक्टिव क्लास जो होता है हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और यह भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा। तो हमारा जो द मैन है ये हमारा नाउन है, ठीक है, द मैन है ये नाउन है, और दैट यू सा यस्टरडी ये हमारा एडजेक्टिव क्लास है, ये हमारा एडजेक्टिव क्लास है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए हमारा एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा। दूसरे में देखते हैं कि कौन सा हमारा एडजेक्टिव क्लास है, इसमें है द बॉय, ठीक है, द बॉय। उसके बाद लिखा क्या है, हू केम हियर यस्टरडे, हू माने जो या जो केम हियर यस्टरडे, वो लड़का जो यहाँ आया था, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा इतना एडजेक्टिव क्लास हो गया ये भी। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल अगर देखें, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, दिस इज द प्लेस, यही वो स्थान है जहां पर, तो ये हमारा नाउन क्लास होगा, सॉरी एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि ये किसको डिनाउंस कर रहा है, प्लेस को, समझ में आया। उसके बाद आपको एडवर्ब क्लास जो होता है हमारा एडवर्ब क्लास की तरह काम करता है, और यह
नाउन एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता भी बतलाता है, और उसके बाद यह सबऑर्डिनेट क्लास से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब इसको हम कुछ एग्जांपल के तहत और अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि हमारा, तो इसमें हम पहले एग्जांपल को सबसे पहले देखते हैं। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। ठीक है, तो इसमें हमारा एडजेक्टिव क्लास, यहां से हमारा एडजेक्टिव क्लास है व्हाइल इट इज हॉट। तो ये जो हमारा एडजेक्टिव क्लास क्या है, कह रहा है स्ट्राइक द आयरन, लोहे पर प्रहार करो कब, जब ये गर्म हो। तो मेन है प्रहार करना को क्या क्वालिफाई कर रहा है, हमारा ये एडवर्ब क्लास जो है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड को देखते हैं, ही इज वाइजर देन आई थॉट। तो इसमें क्या है, देन आई थॉट मतलब ही इज वाइजर, वो बहुत ज्यादा चतुर है देन आई थॉट, जितना मैं सोचा था कहीं उससे ज्यादा। तो यहाँ वाइजर जो है हमारा एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है जो कि, और ये हमारा एडवर्ब क्लास है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है वाइजर को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल, ही रैन सो फास्ट दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हिम। ठीक है, ही रैन सो फास्ट दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हिम, आई कुड नॉट ओवरटेक, ये ओवरटेक हिम। ठीक है, ये ओवरटेक मतलब मैं उससे पार नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत तेज है। ठीक है, तो ये भी हमारे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए हमारा एडवर्ब क्लास है। ठीक है, अब हम इन सभी के द्वारा, इन सभी का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस तीन एग्जांपल जो हमें मिले हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना सीखेंगे। तो इसमें हम नाउन क्लास का इस्तेमाल करके, जैसा कि नाउन क्लास हमें इसमें दिया होगा, नाउन क्लास का इस्तेमाल करके हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इसमें हमें दो प्रकार के क्लास दिए होंगे, एक हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा और एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल क्लास होता है उसका क्या पहचान होता है और सबऑर्डिनेट क्लास को हम कैसे पहचानते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो हमारा हमेशा प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड रहता है। जैसे यहाँ पे जो हमारा बी वाला क्वेश्चन है, दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है, तो हमेशा इसमें ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यह निश्चित है, क्या निश्चित है, यह निश्चित है कि हर एक कि जो हमारा रोज होता है गुलाब है वह सबसे सुंदर सबसे अच्छा फूल माना जाता है, यह निश्चित है। ठीक है, तो इसी को हम नाउन क्लास के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे It is certain, ठीक है, उसके बाद हम coordinating conjunction के का प्रयोग करके हम वाक्य को जोड़ेंगे। It is certain that the rose is the sweetest of all flowers, समझ में। तो इसी तरीके से हम पहले ही बताए थे कि जब भी हम वाक्य को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा, एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होगा। ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जब भी हम नाउन क्लास के द्वारा बनाएंगे, ये नाउन क्लास के द्वारा हम बनाएंगे, तो उसमें हम कंजंक्शन का इस्तेमाल जरूर करेंगे, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा
बनता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो। तो नाउन के अकॉर्डिंग नाउन क्लास का इस्तेमाल करके हम इसको भी बनाएंगे, तो बनेगा क्या, आई डोंट नो ही, आई डोंट नो। इसके बाद वेदर का इस्तेमाल हम करते हैं, वेदर ही इज इनोसेंट, आई डोंट नो वेदर ही इज इनोसेंट, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड को देखते हैं, ही इज गोइंग टू सम प्लेस नो वन नोन इट। ही इज गोइंग टू सम प्लेस, वह किसी स्थान पे गया है, नो वन नोज इट। तो ये भी बहुत सिंपल बनेगा, नो वन नोज इट वेयर। वेयर का इस्तेमाल करके हम ऐड कर देंगे वेयर ही इज गोइंग, ठीक है। उसके बाद अब हम, ये हमारा नाउन क्लास इस तरीके से बनता है, अब हम एडजेक्टिव क्लास को देखेंगे। एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो आइए हम एडजेक्टिव क्लास के कुछ एग्जांपल को समझते हैं कि किस तरीके से एडजेक्टिव क्लास को हम कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो देखते हैं, ही मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, वह अपने पुराने मित्र से मिला, नाउ ही इज डीएसपी, और अब वह डीएसपी है। तो कहेंगे हम ही मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, ही के जगह हम उनका इस्तेमाल, हूं कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, हूं इज डीएसपी ना, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, द स्टूडेंट सिट्स नियर मी, हिज फादर इज अ टीचर। तो जब हम इसको बनाएंगे, द स्टूडेंट बेंच, हम इसको फ्रेजिंग एपोजिशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, द स्टूडेंट कॉमा करके हिज फादर, जिसके पिता क्या है, हिज फादर इज अ टीचर कॉमा क्लोज सिट्स नियर मी। तो ठीक है, द स्टूडेंट सिट्स नियर मी फुल स्टॉप, हिज फादर इज अ टीचर। तो इसको जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाए, तो द स्टूडेंट उसके बाद हुज का इस्तेमाल करके फ्रेजिंग अपोजिशन के अकॉर्डिंग, हुज फादर इज अ टीचर सिट्स नियर मी, इस तरीके से हम इसको कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। उसके बाद हम थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं, दिस इज द फील्ड, द फाइनेस्ट पोटैटोज ग्रो हियर। मतलब यही वो स्थान है, द फाइनेस्ट पोटैटो ग्रो हियर, जहाँ पे अच्छे टोमेटो बड़े होते हैं या होते हैं। तो हम इसको जब बनाएंगे, तो द दिस इज द फील्ड, ठीक है। तो जहां का सेंस आ रहा है, तो उसके लिए हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे, वेयर द फाइनेस्ट पोटैटो पोटैटोज ग्रो, ठीक है। इसी तरीके से हम एडजेक्टिव क्लास को बनाते हैं। उसके बाद हम एडवर्ब क्लास को आइए देखते हैं, तो आइए अब हम एडवर्ब
क्लास का प्रयोग करके मतलब एडहॉक क्लास के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो इसको हम वाक्य को बनाने के लिए वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए हमें कंजक्शन का इस्तेमाल पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं, यू विल सक्सेस, यू विल वर्क हार्ड, यू विल सक्सेस। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यदि तुम निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। तो निश्चित के लिए हम इसका सिंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंस यू विल वर्क हार्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिंस का इस्तेमाल करके हम वर्क को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे। उसके बाद हम सेकेंड देखते हैं, आई टोल्ड हिम टू स्टे, आई रिटर्न, आई टोल्ड हिम टू स्टे। तो आई टोल्ड हिम टू स्टे, मैंने उसे रुकने के लिए कहा जब तक कि मैं लौट ना हूं। तो जब तक के लिए अंटिल, अंटिल आई रिटर्न, अंटिल आई रिटर्न। उसके बाद हम थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं, डोंट ईट टू मच, यू विल बी इल, डोंट ईट टू मच, ज्यादा मत खाओ, यू विल बी इल, अन्यथा तुम बीमार पड़ जाओगे। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल। ठीक है, तो इतना इसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा हम वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। कौन से वाक्य को, एडवर्ब क्लास के वाक्य को। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा सिंथेसिस सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे सिंथेसिस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बाय।